वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं YouTube पर हर रोज वीडियो अपलोड करता हूँ, रात में 8 बजे मेरी वीडियो आ जाती है और मेरी हर एक वीडियो की एवरेज ड्यूरेशन 5 से 8 मिनट या 10 मिनट के बीच में होती है। अब एक वीडियो को मुझे एडिट करने में करीबन 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। मैं फाइनल कट प्रो यूज करता हूँ। फ्रेंड आया हुआ था आज मेरा एंड वो मेरे को बोल रहा है कि तू AI क्यों नहीं यूज करता, मतलब अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। AI तो मैं यूज करता हूँ, लेकिन मैं ChatGPT यूज करता हूँ या और कुछ सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ कैप्शन या सबटाइटल लगाने के लिए, बट वीडियो एडिटिंग के लिए ना मैंने कभी ट्राई किए थे और मुझे इसके बारे में पता भी नहीं था। तो फिर उसने बोला कि यार ये पर्टिकुलर वेबसाइट है और अगर इससे करेगा तो तेरी वीडियोस 5-7 मिनट में तैयार होके आ जाएंगे, तेरे को कुछ भी नहीं करना, तू बस उस पे अपलोड करके छोड़ दे। मैंने बोला ऐसा है? He said yes, and मैंने वो ट्राई किया, मुझे उसका 80% या 70% रिजल्ट मिला है, हो सकता है आपके वो काम आ जाए। तो इस वीडियो में हम उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेंगे कि अब AI आपकी वीडियो क्रिएट करके देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एंड वो किस हद तक सच है तो आप इस वीडियो में देख लेना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, यहां पे देखते हैं कैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी वीडियो एडिट करता है, वो भी बिना हमारे हाथ लगाए। चले तो वो जिस वेबसाइट के बारे में बात कर रहा था वो है वॉइस कट वीडियो एडिटर। ओके, इस पे चल लेते हैं। एंड ये वॉइस कट है, ऑटोमेटिक वीडियो एडिटर, मतलब AI के थ्रू ही हमारी वीडियो एडिट करता है। एंड ये यहाँ पे क्या क्या कर लेता है आप यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ले लो शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, 1 मिनट से 3 घंटे तक की बना के दे देगा। सेव टाइम विद ऑटो कट साइलेंस, यानी कि जहां पे साइलेंस होगा वो उसको ऑटो कट कर देगा, मतलब काट देगा। आप यहां पे देख सकते हो, एंगेज विद ऑडियंस विद ऑटो सबटाइटल एंड ट्रांसलेशंस, मतलब अपने आप सबटाइटल भी लगा देगा एंड ट्रांसलेट भी करके दे देगा किसी भी लैंग्वेज में आप करना चाहते हो। स्मार्ट बैकग्राउंड म्यूजिक दैट एक्चुअली फिट्स योर वीडियो, आपके वीडियो के अकॉर्डिंग आपको ये ऑडियो भी लगा के दे देगा। एंड ऑटोमेटिक ऑडियो डकिंग यानी कि जहां पे वीडियो मैं जहां बोलूंगा तो वहां पे म्यूजिक अपने आप कम हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो डकिंग हो गया। एंड अब इसको हम ट्राई कर लेते हैं, ट्राई वॉइस कट फ्री, हम फ्री में ट्राई करते हैं। ओके, यहां पे मैं इसको लॉग इन कर लेता हूं। तो यहां से हम आ गए होम पेज पे वॉइस कट के, एंड यहां से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। बट उससे पहले मैं एक वीडियो रिकॉर्डिंग जो मैंने की है मैं आपको वो दिखा देता हूं। यहां पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरी, ये बिल्कुल एक बेसिक सी एक रॉ क्लिप है, आप देख सकते हो। यहां पे मैं चला देता हूं आपके लिए, एंड इसे सुन लो। मैंने एडजस्ट भी किया खुद को कि बैकग्राउंड ब्लर और जूम इन जूम आउट ये खुद करके देखा, चेक करते हैं सारी चीजें। वीडियो ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करनी है 2023 में, कुछ अपडेट्स आ गए, नई तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे। या बिल्कुल नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी है या फिर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है दूसरी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारा प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। तो करें स्टार्ट। यहां पे मैंने पॉज दिया जानबूझ के, देखते हैं कट लगाता है कि नहीं लगाता है। तो उसके लिए मैं आपको लेके जाता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। तो मोबाइल फोन की स्क्रीन नहीं है, अब मैंने वापस एक आउट कर दिया है। आई होप आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कैसे ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, बस यही। एंड यहां पे मैंने आउट्रो दिया है ताकि आपको मैं समझा सकूं, बस यही सिंपल से स्टेप्स हैं, इन्हें ही आपको फॉलो करना है। मैंने वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर ली, एक बिल्कुल रॉ फाइल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इस रॉ फाइल में मैंने सारी जितनी गलती हो सकती है सारी गलती की है, मैंने पॉज दिया है, मैंने साइलेंस दिया है, मैंने मूवमेंट भी की है ताकि सारी चीजें यहाँ पे दिख सके। ओके, अब मैं इसी को वहां पे कर देता हूँ अपलोड, एंड लेट्स सी, मैं दोनों को आपको चला के दिखाऊंगा। ये तो आपने ऑलरेडी देख लिया, अब मैं आपको यहाँ से जनरेट करके दिखाऊंगा कि वो कैसी दिखती है। राइट, तो हम चले जाते हैं वापस से यहाँ पे, एंड मैं इसको मीडिया फाइल को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, तो हम लोग अपलोड कर सकते हैं मैक्सिमम 1 GB तक की फाइल, मैक्सिमम अपलोड ड्यूरेशन हम 28 मिनट तक की कर सकते हैं, वैसे 30 मिनट मिलता है दिन में, मैंने ट्राई करके देखा था तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग मैंने कर ली है, अपलोड हो रही है, 0.3 GB की फाइल है मेरी यानी कि 300 MB की। ओके, तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ अपलोड, अपलोडिंग स्पीड तो अच्छी आ रही है, 100% अपलोड हो चुकी है। अब हम यहाँ से कर देते हैं नेक्स्ट, बट उससे पहले मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ, डेमो लिख देता हूँ, एंड वीडियो की लैंग्वेज क्या है आपकी, हिंदी इंग्लिश जो भी है, मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तो हिंदी लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब ये मुझे जो जो करके देगा मैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे ये मुझे स्मूथ कट्स लगा के देगा, जैसे एकदम कट आ जाता है एंड वो बड़ा ऑड सा लगता है तो वो नहीं होगा। ऑटो कट साइलेंसेस, जहाँ पे साइलेंस होगा वहाँ पे अपने आप कट लग जाएगा। स्मार्ट बैकग्राउंड म्यूजिक यानी कि हमारे म्यूजिक अकॉर्डिंग बैकग्राउंड दे देगा। ऑटो डक्स यानी कि जहाँ पे भी हम बोलेंगे वहाँ पे ये अपने आप म्यूजिक को कम कर देगा। ऑटो पंच इन पंच आउट यानी कि जूम इन जूम आउट कर देगा। एंड बैकग्राउंड नॉइज कैंसिलेशन अपने आप हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ऑटो कैप्शन भी हमें लगा देगा। तो कैप्शन वगैरह सब सारी चीज मैंने ओके कर दी है, अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसे क्रिएट।
ओके लेट्स सी ये कैसे क्रिएट करके देता है एंड मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट को. इट्स इन आवर हैंड नाउ. व्हिस्कर्ड इज वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट एंड वंस इट्स रेडी विल नोटिफाई यू बाय ईमेल. जो ईमेल आपने यहाँ पे दी हुई है, जो ईमेल मैंने यहाँ पे दी है, लेट्स सी वहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन भेज देगा जैसे रेडी हो जाता है. तो अब हम लोग बैठ सकते हैं आराम से. ओके अब देखते हैं ये कितने देर में बना के दे देता है. तो प्रोग्रेस यहाँ पे देख सकते हो 42% हो चुका है. बहुत जल्दी कर रहा है वैसे तो. काफ़ी बड़ी वीडियो थी ये ऑलरेडी, मतलब 1.5 मिनट की तो थी. 1.5 मिनट की रील्स बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाता है. अब यहाँ पे देखते हैं कितनी देर में देता है. नेक्स्ट प्रोग्रेस आ गई है, 75% हो गया है. वापस से बैठ जाते हैं. यहाँ पे तो क्रिएट हो रही है लेकिन यहाँ पे ईमेल आ गया कि भाई सर आपने आपका जो है प्रोजेक्ट वो बना के रेडी कर दिया है. ओके ईमेल आ गया है मुझे यहाँ पे, आप देख सकते हो. राइट अब चेक कर लेते हैं क्या सीन है. ये हम लोग यहाँ से कर लेते हैं इसे. 517 MB के इसने बनाई है एंड यहाँ से हम लोग इसे कर लेते हैं, चला के देख लेते हैं. ओके तो इसने इसमें लगाए हैं 32 seconds के ऑकवर्ड साइलेंस थे जो इसने रिमूव किए हैं. 2 jump cut क्रिएट किए जैसे मैं वीडियो से बाहर निकला था. 76 lines ऑफ सबटाइटल क्रिएट किए हैं. म्यूजिक लगाया परफेक्टली फिट योर वीडियोस. ऑडियो एनहेंस किया है प्रोफेशनल जो ऑडिट एडिटिंग होती है टेक्निक उसके अकॉर्डिंग. एंड बैकग्राउंड नॉइज जो था वो रिड्यूस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से. स्मार्ट क्लोजअप ओके दैट्स इट. पंच इन पंच आउट क्या है. तो अब मैं इसको चला के देख लेता हूँ कैसी बनी है वीडियो. वो भी वाली वीडियो आपने देख ली थी ऑलरेडी. वेलकम बैक टू अवर वीडियो. ईमेल आईडी यानी कि जीमेल आईडी कैसे क्रिएट करनी है 2023 में कुछ अपडेट्स आ गए हैं. नई तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करेंगे. या आप बिल्कुल नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी है या फिर आपके पास ऑलरेडी ईमेल आईडी है दूसरी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे. तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारा प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए. तो करें स्टार्ट. तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे. आई होप आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कैसे ईमेल आईडी क्रिएट करनी है. बस यही सिंपल से स्टेप्स हैं. और आपकी ईमेल आईडी क्रिएट हो गई और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में यस या नो जरूर लिख देना. यस यस लिख दो अगर समझ आ रहे, यस लिख दो अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है, नो भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. उसी के साथ मतलब यहाँ पे मैं आपको बता दूं मतलब अच्छी बनी है. ओके एक ओके हम बोल सकते हैं, मतलब 50% काम तो फिर भी हमें ही करना पड़ेगा. इसने म्यूजिक लगा के दे दिया, इसने सारी चीजें लगा के दे दी है बहुत अच्छे से. लेकिन जो डबल करते हैं जैसे मैंने जहां पे डबल डायलॉग बोला, अगर कमेंट बॉक्स में यस नहीं लिखा तो यस लिख दो. और वापस से मैंने बोला था कमेंट बॉक्स में यस नहीं लिखा है तो यस लिख दो. अब वो सेम चीज उसने दोनों बार बोली है. यस सबटाइटल्स बिल्कुल एग्जैक्ट थे, सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, म्यूजिक भी अच्छा लगाया है, जहां पे पंच इन पंच आउट भी हुआ है लेकिन गलत जगह हुआ है. ओके कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत ओवरऑल मैं इसको बोलूं तो काफी अच्छी बनाई है. एंड यहां से मैं अपग्रेड पे देख लेता हूं इसके प्लान्स क्या क्या हैं. ये तो फ्री वाला था जिसपे फ्री में हमें 30 मिनट्स मिले होते एक वीडियो क्रिएट करने के लिए. एंड यहां पे हम चेक कर लेते हैं क्या 30 मिनट्स का तो है जो पर मंथ इसका फ्री है बिल्कुल. ओके ये मंथली प्लान हम देखते हैं तो इसका फ्री 30 मिनट्स स्टार्टर जो है वो 8 घंटे का पर मंथ जो हमें $10 में मिलता है. इंडिया में देखे तो हम करीबन 800-900 रुपए का. ओके एंड यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोफेशनल अगर हम देखते हैं तो 30 आवर्स की वीडियो मिलती है पर मंथ जो $29 है, वही 2500 के करीब. एंड यहाँ पे जो अवेलेबल अब मेरे पास है 27 मिनट्स 1.5 GB की स्टोरेज बाकी है, लेंथ इतनी अगर मैं कर सकता हूँ. तो ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे आप ऐड पेमेंट करके इसे खरीद सकते हैं. बाकी मुझे ओवरऑल ओके लगा, फिर भी मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद भी. आपने दोनों वीडियोस देख लिए हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि यस ये मेरे 3 घंटे बता सकता है या आपके 2-3 घंटे बता सकता है या फिर नहीं. लेट्स सी आप येस नो में जवाब दे दो. और आर्टिफिशियल का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में आप वो भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हो. उसी के साथ साथ ऐसे अमेजिंग सी वीडियोस में लाता रहता हूँ. ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, इफ येस तो गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.